है गाइस, मेरा नाम शहबाज और आप देख रहे हैं टेकरी सरन को। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि अमेज़ोन के शिपमेंट जो रेडी हो जाते हैं उसका आप अपॉइंटमेंट कैसे क्रिएट कर पाएंगे। अब जब भी आपका शिपमेंट रेडी हो जाता है तो अपॉइंटमेंट के बिना आपको अमेज़ोन के वेयरहाउस में कुछ बेच नहीं पाएंगे। तो अपॉइंटमेंट कैसे लिया जाता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहले आपको उसकी जो वेबसाइट है वो ये transports.amazon.in पर आ जाएंगे और आपको लॉगिन करना पड़ेगा। अगर आपके पास यूज़र आईडी और पासवर्ड नहीं है तो आप यहाँ पे रिक्वेस्ट न्यू अकाउंट डाल सकते हो। अगर आपके पास है तो आपको याद नहीं तो फॉरगेट योर यूज़र नेम और पासवर्ड को क्रिएट कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं। तो आपको इस तरह से ऐसा डिटेल आएगा। तो यहाँ पे क्रिएटर सेलर वेंडर, यहाँ पे आपको अगर वेंडर सेलेक्ट करते हैं वेंडर पोर्ट आएगा। अगर आपको वेंडर में ही करिएगा क्योंकि मोस्टली तौर पे वेंडर में ही किया जाता है। इधर भी कॉन्टेक्ट सेलर भी करेंगे तो भी चलेगा, बट मोस्टली वेंडर में ही सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपके पोर्ट कोड खुद ही सेलेक्ट करना होगा और फिर आपका खुद से आपको बनाना पड़ेगा कोड और फिर आपको ये मेल आईडी कोड, फिर आप एक कैप्चा डाल के सबमिट कर दीजिए। कंफर्मेशन आपको मेल, आपको लिंक आईडी पे आ जाएगा, मेल आईडी पे आएगा। वो आने के बाद उस आईडी और पासवर्ड को लॉगिन करिए। लॉगिन करने के बाद आपको इतने सारे ऑप्शन आपको दिखेंगे। पहला ऑप्शन आपको वहाँ पे आपको ये सबमिट रिक्वेस्ट के बाद जाने के बाद आपको ये दिखेगा। पहले आपको ये सिलेक्ट करना होगा। देखिए इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं, लेकिन अगर आप शिपमेंट देख रहे हैं अपनी तरफ से तो आपके पास यही एक ऑप्शन है, उसके बाद कुछ नहीं है। अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट का भी आपका नाम आपको ये दिख रहा है, वो मोस्टली आ जाएगा खुद से अपने आप। आपका डेस्टिनेशन एफसी जो है वो कौन से फुलफिल सेंटर में आप भेज रहे हैं उसका आप नाम सेलेक्ट करना होगा। एक सिटी में हो सकता है, दो हो, तीन हो, मुंबई में तीन होगा, चार होगा, पाँच होगा, जैसे वो डिपेंड करता है, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, पिन कोड के हिसाब से भी आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे लेट्स से कि मैं कि मुंबई से आप देख रहा हूँ, यहाँ पे यह मैं दूसरा जो है बंद हो चुका है। ठीक है, अभी लोन मतलब नॉन टाइप में, नॉन टाइप में मैं पेटलाइज टाइप में शिपमेंट देख रहे हैं। 99% आप नॉन पेटलाइज में ही बेचते हैं। आगे यहाँ पे डेट सेलेक्ट करके आप कौन से डेट को आप डिस्पैच करना चाहते हो। ये लेट्स से आप जनवरी, मैं स्टार्टिंग से लेता हूँ जनवरी 2017 से। ठीक है, तो ये यहाँ पे रिक्वेस्ट है। आप कमेंट में अगर कुछ आपको रिक्वेस्ट है तो आप टाइप करके यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। अब उसके नीचे देखें, यहाँ पे इतने ऑप्शंस हैं आपके। यहाँ पे अभी यहाँ पे आपको पहला जो है वेंडर नेम, वहाँ पे आपको अपना जो कंपनी का नाम है वो कंपनी का नाम आपको डालना होगा। कंपनी का नाम डालने के बाद जो भी है और PRO और BOL आपको शिपमेंट आईडी डालना है। यहाँ पर भी आपको शिपमेंट आईडी मतलब सब शिपमेंट आईडी डालना है, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, यहाँ पे कार्टून काउंट या पैलेट काउंट, ये दोनों में से कोई भी आप एक डाल सकते हो। अगर आप कार्टून के ऊपर टैक्स करके भेजते हो तो आपको इतने ही करके आपको भेजना होता है। लेट्स से आपको 5 कार्टून है या फिर 100 प्रोडक्ट्स हैं, कुछ भी हो, यहाँ पे शिपमेंट आईडी जो भी बना हुआ है वो भी सेम टू सेम आपको यहाँ फिल करना है। ओके, यहाँ पे सेव करना है सबमिट, बस इतना ही करना है। और होने के बाद उसकी रिक्वेस्ट चली जाती है FBA फुलफिलमेंट सेंटर में, वहाँ से वो अपॉइंटमेंट की ज़रूरत होती है, वो आपको अप्रोच करते हैं। अगर आपको न्यू मतलब किसी भी डेट में आपको दे सकते हैं तो आपको कैंसिल कर सकते हो या फिर दूसरे दिन का मांग सकते हो, किसी भी तरीके से आप भी कर सकते हो, इसको डिमांड कर सकते हो। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इतना ही था इसके बारे में। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और मैं उसका रिप्लाई आपको दे दूंगा। ये सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अभी के लिए हैव ए नाइस डे, गुड डे। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड